हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि आज आपका टेस्ट नंबर अगला है। डेली आपको 10 क्वेश्चन, कभी 15, कभी 20 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बताने होते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर आपके सामने आज 20 हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस अहुदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो किस अहुदे को कार्यकारी प्रमुख मानते हैं, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, या फिर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला, या फिर सभी, यानी किसी मरने के बाद में उसके बाद में बनाया गया मकबरा यानी स्मारक, तो कौन से हैं? तो यहाँ पर ये तीनों हैं, आपको बता दें, ताजमहल भी किसी के मरने के बाद बना, बीबी का मकबरा भी, इत्माद उद दौला भी, तो सभी लोग याद रखना, ये सभी हैं। अगला है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य था, सुसीम था, दशरथ था, या फिर सम्राट अशोक था। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो था सम्राट अशोक। अगला है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? जो भारतीय संविधान है इसको पहली बार संशोधित किया गया तो कब किया गया, 1948, 1951, 1949, या फिर 1950? तो सही आंसर होगा 1950 में संशोधित किया गया सबसे पहली बार। अगला है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली को जानते हैं, भागीरथी को जानते हैं, या फिर दामोदर को जानते हैं, या फिर गंगा? तो सही आंसर आएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। अगला है, रौलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में, 1921 में, 1923 में, या फिर 1916 में? तो रौलेट एक्ट को जो लागू किया गया था 1990 में लागू किया गया, 1919 में। अगला है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे, ये तो सभी को पता होगा, किस नाम से बुलाते थे? तो चेतक बन गया, रणवीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया, निराला था, सभी को पता है चेतक के नाम से। अगला है, करणम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो करणम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं आपको बताना है। सभी लोग जानते होंगे कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, यानी भार उठाने से संबंधित हैं करणम मल्लेश्वरी जी, तो सभी लोग याद रखना, काय से हैं, वेट लिफ्टिंग से। अगला है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? कौन सा उपग्रह था जो चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया, अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। अगला है, निम्न में से किस बाक्षर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो लुइस को, इवाइंडर होलीफील्ड को, मोहम्मद अली को, माइक टाइसन को? तो किसको आप सभी को बताना है, तो इवाइंडर हेली होलीफील्ड को। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सभी लोगों को ये बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, सही जो होगा वो आपका हो जाएगा लोथल में, याद रखना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तो तमिल में, संस्कृत, खरोष्ठी, या फिर अज्ञात लिपि? तो सही आंसर रहेगा अज्ञात लिपि में लिखी गई है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? द्वैप विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, या फिर सभी प्रकार के? तो आंसर रहेगा आपका, प्राचीन काल में ये सभी प्रकार के विवाह होते हैं। अगला है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म ने कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, या फिर बौद्ध धर्म? तो सही आंसर क्या होगा, ये बात कही है जैन धर्म के द्वारा कही गई है कि इच्छा सब कष्टों का कारण होती है। अगला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा, जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी जी थे। अगला है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? अजातशत्रु, बिम्बिसार, सिकंदर, या फिर बिम्बिसार? तो बिम्बिसार दो बार लिखा है, आपको बताना है इसके लिए कौन उत्तरदायी था। तो आपका आंसर इसका बिम्बिसार ही रहेगा, याद रखिएगा बिम्बिसार। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? झेलम,
गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई, झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई। अगला है आपका, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? तो अशोक, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया। अगला है, अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? तो विदेश नीति की मिलती है, जीवन व्रत की मिलती है, आंतरिक नीति की मिलती है, या फिर उपरोक्त छवि की। तो अशोक के शिलालेखों से जो जानकारी मिलती है वो इन सभी की जानकारी मिलती है, आप लोग याद रखना। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, और सब दोस्तों से पूछें कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।